तो भाई हमें पता कहाँ जाना है, देखो रात ट्रैक और देखो वहां पर और उस साइड पे जाना है ऊपर बिल्कुल टॉप पे, बहुत हाइट है भाई, बहुत ऊंचाई पे है। वैली ऑफ फ्लावर्स, मुझे तो कहीं पर भी एक भी फूल नहीं दिखा अभी तक, लगता है मैं गलत टाइम पे आया हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोग अभी हम फिलहाल हेमकुंड साहिब से 16 किलोमीटर नीचे गुरुद्वारे में है, तो वहाँ का ट्रैक बता रहे हैं कि जो केदारनाथ का ट्रैक है ना, तो ऐसे ही हेमकुंड साहिब का ट्रैक है, तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, तो साइकिल को तो हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि भाई साइकिल में बहुत सारी दिक्कतें आ गई है, मतलब ब्रेक फेल है और दूसरा भाई गियर वेयर के तार भी टूट गए और मतलब टायर भी सही से नहीं चल रहा है, तो इस वजह से हम साइकिल को तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, साइकिल तो एपी पार कर देंगे नीचे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगले वाला टायर है ना साइकिल का, ये तो पूरा ही घिस गया, बस देखते हैं चल जाएगा या नहीं। और कल मुर्गाड़ का पैंच निकल गया भाई, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और ये देखो क्या हाल हो गया साइकिल के टायर का, ठीक है तो इस टाइम बहुत बुरा हाल है साइकिल का और मेरा भी, मेरा तो चल फिर भी ठीक हो जाएगा पर साइकिल का इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे हैं साइकिल के। साइकिल को चढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है पर उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से बहुत राम राम से धीरे धीरे लेके जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो पैदल नीचे उतर के भी जाना पड़ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई लोग सुबह के बजे हैं 7 और अभी हम हेमकुंड साहिब जाने वाले हैं। जैसे केदारनाथ में है ना, सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ते हैं 5 किलोमीटर दूर और 50 रुपये का टिकट होता है, तो भाई ऐसा ही सीन यहाँ पे है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर छोड़ेंगे हमें आगे, नाम नहीं मुझे पता किस जगह पे छोड़ेंगे, पर उससे आगे जो 16 किलोमीटर है वो हमें खुद चल के जाना पड़ेगा, वहाँ से आगे गाड़ी बिल्कुल नहीं जा सकती और ऊपर तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत हमने कैश कैरी कर लिया। वैसे तो दिक्कत वाली बात नहीं है पर हमारे 2 से 3 दिन लग जाएंगे आराम से। वैसे हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो भाई हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले ही बुकिंग वगैरह करवानी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ से आगे कुछ नहीं जाता भाई, बाइक वगैरह सब यहीं खड़ी होगी और भाई गड्डी वगैरह भी सब यहीं तक आती है भाई, इससे आगे कुछ नहीं जाता, इससे आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। अब कम से कम 16 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो हुआ था पर अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ओके ओके भाई रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो भाई यहाँ भी करवा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होते होंगे पर होते हैं भाई यहाँ भी, तो ये है पुलना गांव। तो भाई यहाँ से आगे बस हमें खुद ही जाना पड़ेगा अपने पैरों से, लंबा सफ़र है। उसने मैं थोड़ा सा पहले ही छोड़ दिया भाई, यहाँ से आगे खुद चल के जाना पड़ेगा। ये खड़े घोड़े, अगर किसी ने घोड़े लेने हो तो घोड़े ले लो, वैसे भाई सही बताऊँ तो भाई अगर घोड़े पे बैठ कर जाना हो तो मत ही आओ, बिना घोड़े के खच्चर के बिना बास्केट के जाओ अगर तुम में हिम्मत है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आने का। वैसे चढ़ाई तो है भाई, जैसे केदारनाथ का ट्रैक है सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, और चढ़ाई की बात करें तो भाई यहाँ पे भी चढ़ाई बढ़िया है। और भाई चलते चलते हो गए 1.5 घंटे और 1.5 घंटे में तुम्हारा भाई पहुंच गया, ये ब्रिज है सामने, दिखाता हूँ। 1.5 घंटे में तुम्हारा भाई यहाँ तक पहुंच गया, ये देखो ये रहा ब्रिज, और इससे आगे ट्रैक में ख्याल से 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर के आसपास होगा। लो भाई आगे, अब ये ट्रैक और ज़्यादा हार्ड होने वाला है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का ये ट्रैक बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कि चढ़ाई है सीढ़ियों वाली चढ़ाई है, ये देखो और ही वहाँ पे दिखा, वो देखो मतलब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, अब ऊपर चढ़ाई है एक तरफा 5-6 किलोमीटर तक। कितने बड़े बड़े माल के छत्ते भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 साथ भाई, मतलब कितना ज़्यादा शायद होगा इनके अंदर, पर बहुत ज़्यादा हाइट पे है भाई मतलब कौन तोड़ेगा वहाँ से। ओ भाई वैसे भाई ट्रैक चढ़ाई बहुत है ट्रैक पे, पर एक बात है भाई क्राउड बहुत कम है केदारनाथ में, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा है भाई, पैर रखने की जगह भी नहीं है, और
आसपास पेड़ पौधों की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त ट्रैक है, मतलब कि मस्त। चलते हुए मज़ा आया, मतलब ट्रैक पे साफ़ सफाई भी सही है, ट्रैक कहीं कहीं टूटा हुआ है, बाकी सारा ट्रैक फिट है। वैसे साइकिलिंग करके भाई इतना स्टैमिना हो गया कि कहीं का भी ट्रैक करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि वो होता है ना, घोड़े खच्चर लेने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता कभी। 3 घंटे से भी कम वक्त में तुम्हारा भाई पहुंच गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा तुम्हारे भाई को, भाई स्पीड बना के रख रखी थी, रुका ही नहीं कहीं पे भी, बस एक जगह लंगर खाया था तो वहाँ पे रुक गया था थोड़ी देर के लिए, बाकी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। वैली ऑफ फ्लावर्स, मुझे तो कहीं पर भी एक भी फूल नहीं दिखा अभी तक, लगता है मैं गलत टाइम पर आया हूँ। 1 जून से लेके अक्टूबर तक बताते हैं कि भाई फूल वगैरह रहते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे आना चाहिए उसके बीच में, पर 1 जून तो आने वाली है तो थोड़े बहुत तो दिखने चाहिए थे, कहीं पर कुछ नहीं दिखा अभी तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो, पर हम तो अपने कैंप नीचे ही छोड़ आए। हाँ देखते हैं स्टे वगैरह का, यहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो एक दिन रुकेंगे, अगर नहीं हुआ तो वापिस जाएंगे और क्या। ऐसी बात तो है भाई, सुकून है, शांति अलग ही है, मतलब यहाँ पे घोड़ों की घंटी की आवाज आ रही, मजा आ रहा सुनते हुए। तो भाई लोग अपने रुकने की व्यवस्था भी हो गई है, ये रहा होल, दिखा दूँ तुम्हें, ये होल है, आज यहीं पे रुकेंगे क्योंकि भाई मौसम यहाँ कभी भी खराब हो जाता, 2 बजे के बाद अलाउ नहीं करते ऊपर। भाई मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया, ये देखो इस वजह से भाई अलाउ नहीं करते, ये बादल दिख रहे ना, ये काले काले बादल है, और हमें वहाँ पे जाना बिल्कुल उस पहाड़ की चोटी पे, तो भाई इसलिए अलाउ नहीं करते, बर्फ बर्फ भी गिर जा तो कभी वहाँ से फंस जा। वैसे ही बताऊँ तो भाई मैं तो टाइम पे आ गया था, 11 बजे के आसपास आ गया था यहाँ पे, विपिन आने में थोड़ा सा लेट हो गया, वो आया तकरीबन 12:30 के आसपास, फिर उसने लंगर लिया तो 1 बजे से ऊपर हो गया, और 1 बजे के बाद फिर वहाँ 2 बजे के बाद एंट्री बंद करता है, तो यानी कि अगर हम अब जाते तो 3 घंटे में हम ऊपर पहुँच जाते, फिर मैं मत्था टेक के फिर वापस आना पड़ता, मतलब कि एकदम ही जाओ और आओ, ऐसा काम तो नहीं चाहिए ना, मतलब कि कहीं जा रहे हो तो अच्छे से तो रुको फिर उसके बाद वहाँ से आओ। तो कल निकलेंगे अब यहाँ से सुबह के टाइम, और कल मत्था टेक के फिर वापस सीधा नीचे जाएंगे, यहाँ भी नहीं रुकने के, सीधा नीचे। तो भाई हमें पता कहाँ जाना है, देखो रात ट्रैक, और देखो वहाँ पर, और उस हाइट पे जाना है ऊपर, बिल्कुल टॉप पे, बहुत हाइट है भाई, बहुत ऊंचाई पे है, मतलब भाई अब जो 5 से 6 किलोमीटर होने वाला है ना, वो सीधी चढ़ाई है बस भाई, बहुत ऊंचाई है, वहाँ तक जाना है ऊपर तक। तो इसलिए भाई हम कल जाएंगे, क्योंकि भाई ऊपर भी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, अब ऊपर जाए इतनी दूर और वापस आ जाए 1-1.5 घंटे में तो मतलब ही नहीं बैठता, तो रुक के जाएंगे, आराम से बैठ के आएंगे आराम से। मौसम देखो कितना प्यारा हो गया भाई, बादल एकदम से आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश वारिश होगी, और बोल रहे हैं कि भाई ऊपर बर्फ़ वगैरह भी पड़ जा, तो इसलिए टाइम पे पहुँचो और टाइम से निकल जाओ। कुछ बादल तो अभी भी हैं, ये बादल बिल्कुल पहाड़ के नीचे हैं, मतलब अगर पहाड़ की चोटी पर हो ना तो बादल नीचे दिखाई देंगे सारे के सारे। एक बात माननी पड़ेगी भाई, केदारनाथ के ट्रैक से खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से और फिर वहाँ तक, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई।